अब अपन को क्या करना, अपन को लेफ्ट आई बनानी है। तो लेफ्ट आई ये देखो, इसकी जो टिप है वो इस पॉइंट से थोड़े ही ऊपर है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। और कितना ऊपर उठ रही है वो देखना है अपन। तो ये रही, अब कितना ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं लेना कि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट ले लो, ये ले लो, एक हिसाब ले लो कि बीच में जो है ये 0.9 सेंटीमीटर होगी, तो सेंटर में लगभग लगभग यहाँ से निकलेगी आई अपनी, ठीक है। और एंड में जाके जो है, एंड में जाके कहाँ पे हो रहा, एंड में जाके ये है 1 सेंटीमीटर, ओके। तो अब आई का जो शेप है, मैंने क्या बोला, पीछे जो जा रहा है वैसे शेड होते हुए जा रहा, ये यहाँ पे आया, यहाँ से निकलेगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे टिप आ गई, देखना। ये थोड़ा सा फ्लैट है, बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं है, ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व। अब ये देखो कि ये जो नीचे वाला कर्व है वो ऊपर वाले कर्व से कितना नीचे है, तो वो निकलता है 0.5 सेंटीमीटर। सेंटर पे देख रहा हूँ, टिप पे नहीं देखना। तो टिप तो अपनी वही वी शेप आती है ऐसी, थोड़ी पॉइंटेड सी, ये वी शेप आई। यहाँ पे देख सकते हो ये वाइट वाला पोर्शन यहाँ ख़त्म हो रहा है, कितने सेंटीमीटर दूर हो रहा है ख़त्म, 0.3 सेंटीमीटर दूर ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे अपन अगर 0.3 सेंटीमीटर मार्क करें तो वो यहाँ आता है। तो अपनी आई जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से निकल रही है और यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे धीरे धीरे कर्व कर लो और यहाँ ला के ज्वाइन कर दो, ठीक है। यहाँ से नीचे कर्व करो और यहाँ ला के ज्वाइन कर दो, ओके। हल्का सा ये थोड़ा ऊपर वाला, इतना ज़्यादा स्ट्रेट नहीं रखो, इसे थोड़ा सा कर्व कर लो ऐसे, हल्का और हल्का सा होना चाहिए, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। और ये नीचे की तरफ थोड़ी चली गई, रहता ना थोड़ी कोरियन लोगों की आंखें इस तरीके से। और अब नीचे वाला एक कर्व आएगा, आई लैशेज वाला, ओके। और एक ये ऊपर की तरफ जा रही है पेपर के टुकड़े से निकल के ऐसे यहाँ तक, बस हल्का हल्का रहेगा। और ये फिर ये नीचे जो सूजा हुआ पार्ट रहता है ना, एक और कर्व, ये तो, ये तो ऐसे बहुत एकदम स्पेसिफिकली नहीं बनाना है, ठीक है। बहुत लाइटली लाइटली इसे ड्रॉ करो, ऐसे डार्क सा ड्रॉ नहीं कर देना, ठीक है। यहाँ पे आई लैशेज अपन बाद में बनाएंगे, ठीक है। हल्के हल्के बना लो अभी, ऐसे हल्के हल्के बाहर की तरफ निकलते हुए, ताकि पता रहे कि यहाँ पे आई लैशेज बनने हैं। फिर आयरिस पे आ जाओ, आयरिस एक चीज़ ये देख लो कि कितनी विड्थ है इसकी, आयरिस ऊपर वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो वो है 0.9 सेंटीमीटर, ओके, 0.9 ही है ना, हाँ 0.9 है। तो वही मैं मार्क करूँगा, यहाँ से लेके 0.9 यहाँ तक आ रहा है। तो मैं कर्व करना स्टार्ट किया। अब एक बात ध्यान रखना, कर्व बाहर की तरफ नहीं जाएगा, पहले अंदर की तरफ आएगा। हाँ? कर्व करके आया, एक बात ध्यान रखना, लास्ट टाइम गलती कर दी थी, बाहर की तरफ ले आए थे कर्व, धीरे से अंदर आना चाहिए, ओके। और ये जैसे आयरिस बनाई थी, अब प्रॉब्लम क्या हो जाती, थोड़ी लेफ्ट राइट हो जाती है। तो तुम्हें एकदम सेंटर पे रखना है, ताकि दोनों आंखें जो हैं अलाइनमेंट में रहें, आराम आराम से बनाओ। और ऐसा नहीं कि ये इसका प्यूपिल बड़ी है, इसकी प्यूपिल छोटी है, ठीक है, ये हुआ। तो इस तरीके से आय बनती है हल्की हल्की, तो लेफ्ट आई इस तरीके से हो जाती, इतना बना लो। आईब्रोज देखो, अब आईब्रोज क्या है, असल में हल्का हल्का लेके आना है अपन को, ठीक है। यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे यहाँ ऊपर की तरफ आया, ये मेजरमेंट लेने हैं तुम लोग को, ठीक है। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, हल्का हल्का सा आया, ठीक है, ये आउटलाइन आ गई। अब इसके अंदर की जो एक ग्राफ है वो इरेज कर लो, ठीक है। हल्का हल्का आउटलाइन, कोई डार्क नहीं देगा, मैं पहले बता रहा हूँ, गलती करोगे आउटलाइन इसकी तरह डार्क दे दोगे, ये अलग है, ये हाइपर रियलिस्टिक है, ये सिंपल शेडिंग है, सिंपल शेडिंग में इतने डार्क आउटलाइन नहीं देते। यहाँ से अब आईब्रोज जो है, ऐसे बिखरे बिखरे बाल जो हैं वो बनाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। बिखरे बिखरे बाल इस तरीके से, थोड़े और घने नहीं बनाने एकदम, ठीक है। इसमें डेंस नहीं है, लेफ्ट साइड देखो ध्यान से, इसमें बाल डेंस बिल्कुल नहीं है, तो अपन को भी नहीं बनाने। इसमें थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसे जा रहे पीछे की तरफ जाने लग गए अभी, जैसे ही इतने आयरिस को क्रॉस करा है ऐसे, यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर तक जा रहे हैं, ऐसे थोड़े बिखरे हुए से दिख रहे हैं, यहाँ पे मुड़ रहे, ओके। अब यहाँ पे पीछे पीछे कम होने लगे, तो पीछे से आगे आएंगे अब तो थोड़े, ठीक है। ये बाल जो हैं वो थोड़े एकदम रैंडम से नहीं आ रहे,
ठीक है, तुम्हें एक एक बाल कॉपी करके बनाना है रेफरेंस से। तो जितना ज़्यादा रेफरेंस को कॉपी कर सकते हो, जैसे ऊपर की तरफ वाले आ गए, ये नीचे से जा तो रहे हैं लेकिन अभी पीछे से नीचे की तरफ वाले आए, ये हल्के हल्के इस तरीके से आईब्रोज बन जाते हैं, तो इतना बना लो। तो नोज के बेस का मेजरमेंट लेंगे अपन, ठीक है। नोज का बेस कितने ऊपर है इस लाइन के, तो वो निकलता है 0.6 सेंटीमीटर। तो मैं 0.6 सेंटीमीटर में मार्क लगाऊंगा, ओके, और पूरे पे ऐसे एक लाइन सी खींच दूंगा। तो ये क्या बताता है कि मेरा जो बेस है वो इस लाइन पे लाई करता है। अब बेस यहाँ देखो कितना है इस लाइन पे, इधर से कितने दूर है ये पता चला मुझे 1.1 सेंटीमीटर, और यहाँ से पता चला 0.3। तो 1.1 और 0.3, तो 1.1 और 0.3, ठीक है। यहाँ अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये तुम लोग गलती करोगे, ध्यान से सुन लो, तुम ऐसे लाओगे और ऊपर पॉइंटेड निकाल दोगे, इसमें पॉइंटेड नहीं है। इन पॉइंट्स का मतलब ये है कि इन्हें टच करने से पहले वो ऊपर की तरफ कर्व हो गई नोज, ठीक है। तो ये नोज का बेस देखो, यहाँ पे नोज की नॉस्ट्रल देखो, ये है 1 सेंटीमीटर ऊपर, तो ये 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाया, मतलब इस कागज का जो टुकड़ा है इसके नीचे आ रही है ये, ठीक है। ये वाला जो शेप है, ये भी उल्टा भी दिख रहा है ना अपन को, ये है 1 पॉइंट, ये है 1 सेंटीमीटर ऊपर, और इस लाइन के है ये 0.7 सेंटीमीटर राइट। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर और 0.7 सेंटीमीटर राइट यहाँ। तो अब देखो कैसे बनाना है, ध्यान दो इधर, ठीक है। तुम्हें कर्व यहाँ से स्टार्ट करना है, इन दोनों को टच करने से पहले ही तुम्हारे कर्व उठ जाने चाहिए। तुम यहाँ कर्व लाए, इस लाइन पे जोड़ा और इसे थोड़ा फ्लैट कर दिया, बहुत आगे मत ले जाना, ठीक है, फ्लैट कर दिया। ये कर्व लाए और सीधा इस पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा यू शेप सा आएगा ये, इस तरीके से, ओके। ये हल्का सा नीचे आएगा, उल्टा वी शेप बनाना है ना अपन को, इस तरीके से आएगा। आप नोज की बेस से नहीं आ रहा है एकदम, थोड़ा ऊपर से आ रहा है, नॉस्ट्रल का जो कवर है एकदम नोज की बेस से नहीं आ रहा है, तो उसके थोड़े ऊपर से आ रहा है, ये लाइन तुम्हें दिख रही है, ठीक है। ये कहाँ आके रुक रहा है उसका मेजरमेंट लो, ये आ रहा है 0.35 सेंटीमीटर पे, ओके। 0.35 सेंटीमीटर कितना हुआ, इधर पे हुआ। फिर कर्व करके लाना, अब अपने मन से कर्व नहीं बना लेना कुछ भी। तुम देख सकते हो यहाँ तक गया और यहाँ से कर्व होके आया, तो यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से कर्व होके आया ये, ओके। ये थोड़ा और पॉइंटेड होना चाहिए, इसे थोड़ा और पॉइंटेड करता हूँ मैं, रुको। इस तरीके से ऊपर गया और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आ गया, ओके। फिर इससे टच करते हुए ये गया इसका नॉस्ट्रल, अब ये वाला आएगा। तो ये वाला देखो, ये नीचे की तरफ से कर्व आया और ये ऊपर चला गया, तो इसको ज़्यादा नहीं बनाना होगा, इसमें सिर्फ एक कर्व ऐड करना है तुम्हें, ओके। अब आता है मेन पार्ट, बहुत अच्छे से ध्यान दो। ये जो कर्व दिखता है, अपन जो नोज की प्रैक्टिस करी थी उसमें अंदर एक सर्किल बनाया था, तो ये सर्किल वही है। इसका मेजरमेंट लोगे तो ये आएगा 0.6 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ कहीं आएगा। तो ये दिख रही ना शेड वाला पोर्शन, तो तुम्हें भी इस तरीके से करना है, ठीक है। इस तरीके से कर्व करते हुए, शेड करते हुए लाना है, ये एक पोर्शन जो है ये तुम्हें हल्के से शेड करते हुए लाना है, ओके। शेड करते हुए लाना है अंदर और फिर ये ऊपर की तरफ ले जाना है। तो ये दिख रहा वाइट पोर्शन, ये है 0.9 सेंटीमीटर पे, ओके। इस तरीके से धीरे से हल्के से कर्व करते करते धीरे धीरे, बहुत, ये एक बात बता रहा हूँ, नोज की स्टेम गलत कर दोगे, डार्क बना दी अगर तो, ठीक है, बहुत लाइटली बनाना है अपन को। इस तरीके से नोज बन जाती है, ठीक है, इतना बनाओ और जो गलतियाँ बताएं उनका ध्यान रखो। अब ध्यान दो क्या करना है, ये जो बाल आ रहे हैं यहाँ से, ये ऐसे आ रहे हैं नोज के इधर होते हुए, ठीक है। ये पहले पेपर था, ये पेपर के ऊपर से ये बाल आ रहे हैं, तो ये हल्के हल्के जो बाल जा रहे हैं उसे मैकेनिकल पेंसिल से ही बना लो, ठीक है। इस वाले रीजन में आ रहे हैं नोज को कवर करते हुए, ओके, ये बनाए। अब लिप्स पे आना है अपन को, तो लिप्स पे ध्यान दो,
ये जो वी शेप है अपना, वी शेप का एक पार्ट जो है वो इस लाइन से ऊपर है और एक इससे नीचे है, ठीक है, एक ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे है, ठीक है, और एक इस लाइन से ऊपर निकल रहा है, तो वो कितना ऊपर निकल रहा है वो देखना है अपन को। तो वो निकल रहा है 1.3 पे और वापस आ रहा है 1.15 पे, ठीक है। तो 1.3 मैंने यहाँ मार्क किया और 1.15 यहाँ करा, तो देख सकते हो कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। मेजरमेंट लेने हैं, हवा में नहीं करना, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती कर दोगे अभी लिप्स टेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। तो वी शेप ये आया अपना नॉर्मल, बहुत ज़्यादा एकदम डीप मत कर देना और पॉइंटेड एकदम मत करना, ठीक है। ये वी शेप आया, सब कुछ नीचे की तरफ पॉइंट होना चाहिए। ये वी शेप आया, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया और वापस नीचे की तरफ मुड़ गया ये, ठीक है, यहाँ से आ गया ये। अब ये वाला पॉइंट है, इसको मुझे हवा में ढूंढना है बीच में कहाँ पे है। तो इस लाइन से है कितना नीचे, इस लाइन से है 0.6 सेंटीमीटर नीचे और इस लाइन से 0.6 सेंटीमीटर लेफ्ट। तो 0.6 सेंटीमीटर लेफ्ट मैं मार्क करूं और 0.6 सेंटीमीटर डाउन मैं यहाँ मार्क करूं, तो मेरा जो लाइन है अब एकदम स्ट्रेट नहीं आएगा, हल्का सा कर्व है। मैंने क्या बोला, हल्का सा कर्व है, यहाँ गलती खा जाओगे, या तो स्ट्रेट बना दोगे या एकदम गोल सा बना दोगे, दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। अब इसके नीचे देखो एक कर्व सा शेप आ रहा है, ठीक है, फिर एक यू शेप आ रही है, यू शेप दिख रहा, तो ये यू शेप ज़रा ध्यान दो इस तरीके से आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे देख लो कितने नीचे है ये लाइन कितने नीचे है, ये है 0.7 सेंटीमीटर नीचे, 0.7 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, तो ये जो यू शेप आ रहा है वो और नीचे आएगा 0.7 सेंटीमीटर नीचे और ये यहाँ हो गया, ठीक है, ये ऊपर की तरफ और ये यहाँ, ठीक है। अब बेस कितना, देखो बेस एक बार ध्यान रखना, अपन फ्लैट बेस बनाते हैं, इसमें नहीं है, इसमें नीचे से कर्व्ड बेस है। तो पहले ये देखो इसकी लाइन कहाँ से निकल रही, ये है 0.3 सेंटीमीटर, ओके, हल्का सा बेस इस लाइन से ऊपर है। तुम्हें क्या करना है, पहले एक यू शेप सा बना लो, एक कर्व बना लो यहाँ पे, ठीक है। अब एक कर्व यहाँ ले जाके ऐसे ऊपर ज्वाइन कर देना, ये कर्व यहाँ ले आके ऐसे ज्वाइन कर देना। तुम्हें लगे कि गलत है तो डिस्टेंस देख लो, ऊपर से नीचे का आ रहा 1.1 सेंटीमीटर, मेरा आ रहा 1.1 सेंटीमीटर, सही है। ये जो हल्के हल्के कर्व दिख रहे हैं ना, ये वाले इस तरीके का, ये बना लो, क्योंकि ये डार्क होगा, ये जो बीच वाली लाइन है ये डार्क होती है थोड़े लोअर लिप के साइड पे। तो इस तरीके से अपने आईज, नोज, लिप्स भी बन जाते हैं, ठीक है। इतना बनाओ, फिर हेयर्स का पोर्शन देखते हैं ज़रा। अब यहाँ देखो बस इतना सा बाल, ये वाले जो जा रहे हैं ना चेहरे से निकलते हुए, जो चेहरे के बाल वाले हैं वो तो एक्स्ट्रा अलग से बाल में बनाएंगे, ठीक है। ये वाले जो है ये यहाँ से आए, देख लो अभी बस, ठीक है, ये यहाँ से आके जो लंबा से जा रहे हैं ना बाल, एक बना लो, बाकी सब उसकी सराउंडिंग में बन जाएंगे, क्योंकि अभी अपन ग्रिड इरेज कर देंगे, ठीक है। ग्रिड इरेज करना है, इसके बाद ग्रिड इरेज करना है, तो एक बाल का रेफरेंस होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, तो एंड में जाके इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़े ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में है, ओके। और यहाँ से जो बाल निकल रहे, बना लो इतने, देखो ये इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि जब इरेज हो जाए ग्रिड, तो फिर बाल इधर उधर ना भागें, लाइन में रहें। तो यहाँ से ये आया, यहाँ के मिला, यहाँ से ये आया, ऐसे कर्व होके ये शेप आ गया, फिर ये वाला जो शेप है ये कर्व होके आया इस तरीके से, ये थोड़े से यहाँ से ऐसे नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने बाल भी बन जाते हैं। ग्रिड इरेज कर लेना, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तो यहाँ देखो अब अपन को हेयर्स बनाने हैं, तो ग्राफ इरेज करने बोला था, मैंने कर लिया हो, तो यहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा घने नहीं करने बाल, ठीक है, ये सिर्फ हल्के आउटलाइन टाइप समझ लो। तो इन्हें इस तरीके से करो, मैकेनिकल पेंसिल की मदद से करो। तो यहाँ से जैसे बाल आ रहे हैं, यहाँ पे आके जो बाल हैं वो यहाँ आके रुक रहे हैं, तो एक फ्लो में लाने की कोशिश करो, हाथ बीच में कप कप आ रहे हैं अगर, तो बीच तक लाओ थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से लाओ, यहाँ थोड़ा पीछे पकड़ो और यहाँ लाओ, ओके, यहाँ ऐसे ले आए, तो जो मेजर मेजर थे उन्हें डार्क कर लिया अपन ने, ओके। अब इसके बाद जो जैसे यहाँ देखो, यहाँ बीच में मुश्किल से हैं, तुम्हें क्या करना है, यहाँ से ऊपर लाए, यहाँ छोड़ दे, मैंने यहाँ छोड़ा, एक बार ध्यान रखना, ऐसे बीच में, क्या कहते हैं, बीच में नहीं छोड़ा और एकदम चेहरे पे लाके नहीं छोड़ा, इस तरीके से यहाँ पे आए, ये छोड़ दिया,
ठीक है। अब ये देखो यहाँ थोड़े घने हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, तो पेंसिल छोटी रखना अपनी मैकेनिकल की लीड, और इस तरीके से कर्व करते हुए बस यहाँ तक लाने हैं अपन को, ऐसे छोड़ देना है। ये आ रहे हैं देखो, ये जो कर्व है इस तरीके से आ रहे हैं, ये बाल जा रहे हैं ना इधर, ये अपन ने बनाए थे, तो ये कर्व कैसे आएगा यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर से आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो वैसे भी डार्क हेयर्स हैं, इस तरीके से धीरे धीरे आएगा ये। ओके यहाँ से आ रहे हैं ये, मैं बहुत घने नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरे भर दिए एकदम पास पर चिपका चिपका के, इतना कर लो, इतना करके दिखा दो पहले। तो अब पूरा एक फ्लो में आएगा, तो ध्यान दो पूरा, यहाँ तक हो गया था अपना ये आगे का वाला पार्ट, ठीक है। अब ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं, तो पेंसिल को पीछे पकड़ो, ठीक है, इस तरीके से ये आए, यहाँ तक आ गए, ठीक है। पेपर के ऊपर मत लाना, वरना बाद में साफ करने में पेपर को ये जो अपने हैं उसमें और प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से आ रहा है ये, इसके बाद ऐसे पकड़ो, ये आए, और ऐसे फ्लो में लाना थोड़ा इन्हें। ओके ये आए, पेंसिल ऐसे पकड़ी, ये आए फ्लो में ऐसे, ठीक है। ये ऊपर की तरफ वाले आए फ्लो में ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ जा रहे ऐसे हल्के हल्के। देखो बहुत ऐसे भरना नहीं है, आराम आराम से जितने दिख रहे हैं तुम्हें, इसमें अगर तुम्हें चार दिख रहे हैं तो तुम भी चार बनाओ, तुम्हें दो दिख रहे हैं तुम दो बनाओ, ठीक है। थोड़ा अपने हिसाब से भी करो, इतना आता है तुम लोग को कि आराम से कर लोगे, ये बहुत आसान है तुम लोग के लिए। अभी जैसे ये आया, ये डार्क दिख रहा मुझे, तो मैं इसको पास थोड़ा प्रेशर के साथ बनाया, ठीक है। इसके ऊपर वाला ये है जो आगे की तरफ जा रहा, ये यहाँ तक डार्क था और यहाँ नीचे से डार्क है, ठीक है। अब ये पेपर का जो पीस है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आ रहा इस तरीके से, तो ये देखो एक फ्लो बना दिया मैंने। अब मुझे इस फ्लो के अंदर बाल भरने हैं, या आउटलाइन टाइप समझ लो बालों की। तो मैंने वो आउटलाइन बना दी जो फ्लो आना चाहिए बालों का, ठीक है। अब मुझे उसके अंदर फिल करना है, तो एक बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि कहाँ क्या ड्रॉ करा है। ये पेपर है और यहाँ पे बाल आएंगे, तो इस तरीके से भरना बहुत नहीं, यहाँ बाल दिख रहे हैं तो यहाँ भर बाल बना दिए इस तरीके से। यहाँ बाल देखना नीचे की तरफ आ रहे हैं थोड़े, ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ आ रहे हैं बाल, करो इतना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब ये जो वाले, ये तो ऊपर छूट गए थे, ठीक है, ये वाले छूट गए थे। अब यहाँ ऐसे पकड़ो, ठीक है, ये फ्लो तुम लोग को पता ही है, यहाँ पे ऐसे ले आओ, ठीक है। ये आ गए कर्व, थोड़े ऊपर की तरफ आ गए कर्व, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमा लो थोड़ा, तुम लोग राइट हैंड लोग, राइट हैंड ही इसको क्या रहता है, एक फ्लो ऐसे में आना आसान रहता है, रेदर देन ऐसे ऊपर पकड़ के, लेफ्ट वालों को आराम से हो जाता है। तुम लोग राइट हैंड ही हो अगर, तो यहाँ से ऐसे लाओ एक फ्लो, पेपर पे नहीं लाना है, ठीक है। अब ये बाहर आ गए, तो यहाँ पे ऐसे कम ही रखो, बहुत ज़्यादा नहीं ला रहा मैं, भर नहीं रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला फ्लो आ गया, अब सीधा कर लो दोबारा इस तरीके से, नीचे की तरफ ले आओ फ्लो। यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे कम है बाल, ठीक है, ऊपर तक थे, यहाँ पे धीरे धीरे कम हो जाएंगे बाल, तो तुम यहाँ से यहाँ लाए, ये कम हो गए बाल यहाँ पे। अब यहाँ देखना, ये जो कर्व बनाए थे ये इस तरीके से कर्व रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से कर्व रहेंगे, तो इस तरीके से हल्की, ये जो छोड़े हैं, ठीक है, ये जो डार्क बाल आएंगे उनकी आउटलाइन है ये, तो इतने से अपना एक राइट साइड वाला जो पोर्शन है बालों का वो हो जाता है। तो ये बीच में देखो, अब 4B पेंसिल ले लो, नहीं 2B ले लो, तो ये जो डार्क बाल दिख रहे हैं ऐसे, ये आया एक, तो ये डार्क आ गया, यहाँ से निकला ये डार्क है, यहाँ अंदर की तरफ एक आध दो ऐसे कर्व में डार्क है, ये बाहर की तरफ आ रहा, ये एक आउटलाइन में है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है, ये इधर कर्व जा रहा है, ये ऊपर से नीचे कर्व आ रहा है, यहाँ पे ये कर्व है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बीच में थोड़े एक आध एक आध बीच में इस तरीके से। तो ये जो डार्क आउटलाइंस जो आ जाती है ना, ये एक डेप्थ दे देती है हल्की, तो वो डेप्थ अच्छी लगती है, ठीक है, इतना बनाओ। तो अब लेफ्ट साइड के बाल करने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अपन ने सिर्फ आउटलाइन बनाई और कुछ मेजर एक दो ऊपर के बाल, ये नीचे का कुछ नहीं आइडिया अपन को, ठीक है।
तो ऊपर से ऊपर के बाल इस तरीके से आए, ये डार्क बहुत एकदम मत बना देना, ठीक है, और एकदम ही लाइट मत छोड़ना। उन दोनों के बीच में एक स्पेस होती है डार्क और लाइट के बीच में, अपन को वो अचीव करनी है। तो इस तरीके से जो कर्व थे, जो ग्राफ इरेज करने के बाद थोड़े इरेज हो गए थे, मैं ये वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत, जैसे राइट साइड वाले में अपन ने भर दिया था, इसमें नीचे की तरफ है, ठीक है, यहाँ यहाँ तो गिनती के हैं, तो ऊपर से स्टार्ट करते, तो इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ कर्व लाओ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ कर्व लाओ। ओके, फिर ये जो है यहां से ऐसे थोड़ा उठाओ, एकदम मत ले आना स्ट्रेट लाइन, थोड़ा उठाओ इसे, जैसे ये उठा हुआ है ना, इसके फुटस्टेप फॉलो करो, से उठा हुआ है उठा के नीचे ले आओ, ठीक है, उठाया है उठा के नीचे ले आओ। ओके, ये उठाए थोड़े, उठा के नीचे ले आओ। मैंने क्या बोला, इसमें अपन को बहुत घने नहीं बनाने बाल, ठीक है, बस इस तरीके से अपना काम हो जाएगा। वो जो 2B वाली पेंसिल का हिसाब है वो बाद में आएगा, एक साथ डालेंगे। फिर ये जो है, अब ये ऐसे थोड़े कर्व, ये ऊपर से नीचे आ गए, अब इन्हें थोड़ा ऐसे कर्व करके ऊपर ले जाओ ऐसे, ठीक है, ऊपर से नीचे ले आओ, बहुत घने मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये जो बाहर की तरफ भाग रहे हैं ना, उन्हें अभी बाद में बनाते, पहले अंदर वाले जो हैं, ठीक है, अंदर वाले दोबारा बना लो, मतलब दोबारा कह रहा, अच्छे से बना लो इस तरीके से। जो डार्क दिख रहे हैं उन्हें की परेशानी नहीं है, उन्हें अपन दोबारा हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। अभी इस तरीके से कर्व जो जा रहे हैं बाहर की तरफ, इस तरीके से बाहर देखो, हाथ जो है बाहर के कर्व बनाते हुए ऐसे फ्रीली जाना चाहिए। अब तुम गलती क्या करोगे, एक एक बाल ऐसे ले जाओगे तो वो बहुत गंदा लगेगा, लिख के ले लो, बहुत गंदा लगेगा वो, जो तुम एक बाल ऐसे ऐसे एक करके बहुत धीरे धीरे, ये तुम्हारा फ्लो आ रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना तुम्हें, ये तुम्हारा फ्लो है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ये तुम्हारा फ्लो है, तो तुम्हारा ये फ्लो आना चाहिए हेयर बनाते समय, ठीक है। ये जो सिंपल हेयर हो गए, रियलिस्टिक हो गए, सेमी रियलिस्टिक हो गए, कुछ भी हेयर्स बनाओ, हेयर फ्लो में आने चाहिए, क्योंकि तुम अगर एक एक बाल ऐसे जो बनाते हैं ना धीरे धीरे, वो बियर्ड के सही रहते हैं, ठीक है, दाढ़ी मूछों के सही रहते हैं, आईब्राउज के सही रहते हैं, बाल जो आ रही है फ्लो होना चाहिए, ठीक है। जब तक तुम्हें किसी टकले व्यक्ति का नहीं बना रहे हो जिसके बाल पे, सर पे छोटे छोटे बाल हैं, तब तक, अगर तुम लड़की का बना रहे हो जिसके बाल एकदम लंबे हैं, तो तुम्हें हाथ भी फ्लो में आना चाहिए, क्योंकि तुमने अगर फ्लो ब्रेक करा तो जो बीच में यहाँ जो ऐसे जंक्शन आता है ना, कि यहाँ बाल आ रहे हो यहाँ से अलग जा रहे हैं, वो बहुत गंदा लगता है, ठीक है। इसमें ऐसे बीच में थोड़े कर्व डालेंगे अपन, थोड़े, मेरी बात सुनना, थोड़े बोल रहा हूँ मैं, इस तरीके से यहाँ से। अब यहाँ से नीचे की तरफ आए, अपन ने इतना हिस्सा खाली छोड़ दिया था, सिर्फ ये बना दिया था, तो इसमें क्या करना था अपन को, मेजर मेजर जो कर्व दिख रहा है पहले, ठीक है, जैसे ये आ गए ऐसे शोल्डर पे जा रहे, यहाँ से ऐसे कर्व आ गए, ये एक आध दो ऐसे बाहर। अब देखना मेरा हाथ कैसे चल रहा है, ऐसे फ्रीली चल रहा है, मुझे बाल दिख रहा है, मैं उसकी कॉपी मार दे रहा हूँ, ऐसे मेरा हाथ जो है अपने आप भाग रहा है उसको देख के, ठीक है। अच्छा, पहले तो अब देखो, जैसे ये है, अब चेहरे के पास आ जाओ, जरा चेहरे के पास आ जाओ, तो सबसे पहले ये देखो, ये जो कर्व है ये यहाँ से लेके यहाँ गया, अंदर हेयर्स आएंगे, ठीक है, ये वाला जो कर्व है इस तरीके से आया, यहाँ से कर्व है ये आया, ठीक है, फिर यहाँ से कर्व आ रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो कर्व है तुम्हें, तुम्हें एक एक कर्व पकड़ लो, जैसे ब्लैक जो डार्क तुम्हें दिख रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला देखो पूरा नीचे आ रहा है ऐसे कर्व करते हुए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो है, जैसे पकड़ लिया मैंने ये, अब इसके बाद जो ऐसे थोड़े हल्के हल्के आ रहे हैं, ठीक है, अब ये एक थोड़ा डार्क वाला है तो इस तरीके से आ गया, ये यहाँ वाला है, ये वहाँ वाला देखो बीच में से आ रहा है, तो कैसे आ रहा, नीचे से स्टार्ट करो और ऊपर ले जाते जाते लाइट कर दो। ये अभी मैं रैंडम से नहीं बना रहा, मैं एका जो डार्क डार्क है ना वो पकड़ रहा हूँ। अब मुझे फ्लो मिल गया, एक रफ आइडिया हो गया मुझे फ्लो का, नीचे की तरफ तो ऐसे ये बिखरते जा रहे हैं नीचे वाले, बाद में पहले ऊपर वाले। तो ऊपर वाले अब देखना, राइट साइड में क्या था, इधर से स्टार्ट हुआ एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में भी एंड हो जा रहा है, जैसे ये है ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से आए बीच में, ये इधर पे आ गए फ्लो में इस तरीके से,
यहाँ पे उतने घने नहीं है, ठीक है, जितने राइट साइड से इधर पे कम बना सकते हो, लेकिन ये कम बनाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी रैंडम लाइन नहीं खींचना है। मैं बोल रहा हूँ लाइन नहीं खींचना है, कर्व बनाना है, ठीक है। यहाँ से ये आ रहा, चेहरे के पास जरा ध्यान देना, चेहरे के पास आराम आराम से आने चाहिए, वरना चेहरे के अंदर चला गया तो फिर गड़बड़ है, चेहरे से बचा के रखो। इस तरीके से कर्व आ रहा है, ये वाला कर्व यहाँ आ रहा शोल्डर पे इस तरीके से, ठीक है। अभी थोड़े मैसी से लग रहे हैं, और मैसी से हेयर है इसके, ये मत सोचना कि गंदे लग रहे हैं, मैसी हेयर है इसके, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा अपन नीचे वाले पार्ट में, ये तो क्या था, कम बाल वाले पार्ट थे, अब यहाँ देखो ऐसे ये है, यहाँ रैंडमली ऐसे आ गए, तो ये आ जाने दो, थोड़े अपने मन से भी बना दो, इस तरीके से आ गए थोड़े एक दूसरे क्रॉस करते हुए यहाँ पे ज़्यादा से, ठीक है, आराम आराम से। तुम अपने पास एक आइडिया रखो कि कैसे बनाना है, नीचे वाले बाल अलग बनेंगे थोड़े, जैसे ये कर्व आ रहा, मैंने इसे पकड़ लिया, थोड़ा रैंडम सा भग गया ये, अभी ये 2B से होंगे, ठीक है, लेकिन पहले इन्हें एक HB से हल्का सा हल्का बना दो आराम आराम से। ठीक है, अभी थोड़ा पार्ट और बचता है, जैसे ये है, अब क्या बचता है जरा देखना, ये पूरा एक फ्लो में बनाना है तुम लोग को भी। ये जो डार्क पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये कैसे आएगा, जैसे क्रॉस हैचिंग करते हैं ना अपन, वैसे मैं वर्टिकल में आने चाहिए, जैसे ये बाल का ये स्ट्रोक आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो तुम्हें अब क्या करना है, इसे वर्टिकली कर दो ऐसे यहाँ पे। अब ये जो है तुम ऐसे वर्टिकली नहीं कर सकते हो इसे, क्योंकि कर्व्ड है, तो तुम्हें क्या करना, नीचे से ऊपर से नीचे ले जाओ। मैंने जो हेयर्स की प्रैक्टिस कराई थी उसमें इसी तरीके से कराया था मैंने, बस एक चीज ध्यान रखना, आराम आराम से करना है, ठीक है। बीच में हल्का हल्का गैप छोड़ना, तुम्हारे रेफरेंस में बीच में हल्का सा गैप छूटा हुआ है, तुम्हें भी वही छोड़ना है। अभी HB को थोड़ा डार्कली यूज करो मैकेनिकल पेंसिल को, क्योंकि इसके बाद 2B भी करेंगे इसके ऊपर, और ऐसे बहुत गंदे कर्व नहीं बनाना, अच्छे से करना, आराम से कर लोगे तुम लोग, ओके। अब 2B आता है, तो 2B जैसे इसमें किया था, गंदे तरीके से नहीं करना प्लीज, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट करते, तो ऊपर देखो एक बाल ये गया ऐसे, ये डार्क दिख रहा ऐसे, तो वो जो फ्री हैंड जो जाता है ना, हाथ फ्रीली भाग रहा है, उसका कॉन्सेप्ट समझो। बालों को ऐसे एकदम एक एक बाल ऐसे बनावटी बनाने की जगह तुम्हारा हाथ बाल देख के अपने आप चलना चाहिए। जैसे ये कर्व है, ये चला गया, ये डार्क दिख रहा, ये कर्व चला गया, ये थोड़ा आगे चला गया, ये जो डार्क बाल दिख रहा है एक आध चला गया। बहुत डार्क नहीं चाहिए, बहुत लाइट नहीं चाहिए, 2B को उसके मीडियम पे यूज़ करो। अब देखो जैसे यहाँ पे है जो चेहरे के पास वाले बाल हैं, ठीक है, ये जो अपन ने स्टार्टिंग में बनाए थे ना कि आउटलाइन देख ली, जो अंदर फ्लो वाले बाल हैं, मेजर मेजर बाल हैं, ये वो आ गए अब, ठीक है। जैसे ये है, ये जा रहा है एक चेहरे के पास से, ये जा रहा नीचे चेहरे के नीचे से, ये इसकी आउटलाइन है, ठीक है। ये बाल जा रहा रेंडमली यहाँ पे, ये बाल आ रहा नीचे, एक बीच में छूट गया और एक नीचे आ गया, ये थोड़े ऊपर की तरफ भाग रहे, एक यहाँ एक यहाँ एक वहाँ, ठीक है। इस तरीके से बीच में रेंडमली जो बाल हैं वो आ जाने चाहिए। जैसे ये एरिया मुझे खाली लग रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा, भले ही उसमें खाली है लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं अपने मन से उसे उसमें थोड़े और बाल डाल दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा खुद की क्रिएटिविटी भी यूज़ करो, तुम्हें जो थोड़ा पोर्शन अच्छा नहीं लग रहा उसमें खुद की तरफ से डाल दो बाल। जैसे ये है तो यहाँ यहाँ मुझे पता है थोड़े नीचे नीचे की तरफ ऐसे शेडिंग हैचिंग चल रही है, क्योंकि ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, हैचिंग वाले पार्ट में, एक रियलिस्टिक वाले पार्ट में, और एक हाइपर रियलिस्टिक वाले पार्ट, सेमी रियलिस्टिक पार्ट में, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो नीचे के बाल आ जाते हैं, तो नीचे के बाल थोड़े और घने कर दो, देख सकते हो HB वाले बाल अलग अलग जा रहे हैं, बस एक दूसरे में गंदे नहीं लगने चाहिए, ठीक है। थोड़े इस तरीके से शोल्डर पे बहके ऐसे लहरें जा रही है ना बालों की, बस वो इतना काफ़ी है, ओके। अब डायरेक्ट जो है ये जो है, अब डार्क करो इन्हें, ये है ये डार्क किया, ये जा रहा है एक, इसे डार्क किया, जो शोल्डर है ये आउटलाइन जो है उसे डार्क करो, नेक की आउटलाइन डार्क करो, कॉलर बोन की आउटलाइन डार्क करो, और बहुत सारे बाल ऐसे डार्क नहीं करने, इससे कर दो हल्के हल्के, एक आध दो इसमें डाल दो, एक आध दो इसमें डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाते हैं अपने बाल। ये वाले पार्ट में हल्का हल्का ब्रश चला लो, एक काम करो पूरे बालों में ऐसे फ्लो लाओ,
ब्रश का, चार पांच बार से ज़्यादा मत करना ब्रश, पूरा ब्लेंड हो जाएगा वरना, ठीक है, इतना कर लो। चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। 10B पेंसिल लो, तो आइस से करते हैं, ये रही 10B पेंसिल, ठीक है। तो 10B पेंसिल पहले मुझे देखो, मैं इतना पार्ट करूँगा तुम्हें करने के लिए टाइम दूंगा, ओके। तो 10B से पहली बात ये भर दो, ये जो अंदर हाइलाइट्स दिख रहे हैं वो बाद में अपन अपने वाइट जेल पेन से दे देंगे। तो ये अपन ने प्यूपिल भर दिया। आयरिस का ये जो कर्व है, कर्व ठीक है, नीचे वाला अभी नहीं करना, सिर्फ ये जो कर्व है इसकी एक आउटलाइन दे दो, बहुत मोटी नहीं देना, ठीक है, और एकदम बहुत शार्प सी भी मत देना, उसके बीच में एक स्पेस होता है। मोटी मतलब होता है तुमने पूरा भर दिया, और शार्प सी होता है तुमने पतली सी लाइन दे दी। यहाँ देख सकते हो एक थोड़ी आउटलाइन है, 1 mm की है लेकिन है। अब ये ऊपर वाली कवरिंग, ये ऊपर वाली कवरिंग है जो, ठीक है, ये जारी ना। अब एंड स्टार्टिंग से तो तुम लोग ले आए, स्टार्टिंग से एक बार ध्यान रखना, पॉइंटेड रखना थोड़ी, ऐसा नहीं कि एकदम ब्लंट से चालू कर दी। ये आए पीछे की तरफ गए, अब ये पीछे की तरफ कैसे जाना है, हाथ ऊपर रखो स्केच के, ठीक है, हाथ के नीचे कुछ रख लो, पेपर या एक्सेट्रा कुछ, एक मिनट रुकना, हाँ ये हाथ के नीचे पेपर रख लो एक, क्योंकि क्या रहता स्केच खराब होएगा फिर तुम्हारा। देख सकते हो मेरा होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा ग्रेफाइट आ गया, तो उसे इरेजर से तुरंत हटाओ, क्योंकि फिर क्या रहता है जब तुम ब्लेंड करते हो तो वो स्पॉट्स जो है पैचेस दिखते हैं, ठीक है। तो ये आया, आप देख सकते हो यहाँ बहुत ज़्यादा आईलैशेस नहीं है, लेकिन पीछे की तरफ जाते हुए हल्के हल्के हैं, तो छोटे से बड़े ले जाना, ठीक है। अब मैकेनिकल पेंसिल लो, ये पार्ट हल्का सा बनाया था, पीछे से डार्क लाओ, बीच में लाइट, ध्यान से सुनो यहाँ, ये मत करना कि पूरी नीचे की कवरिंग डार्क कर दी, पीछे से थोड़ी डार्क लाए, जैसी आयरस के पास आई लाइट हो गई, यहाँ से थोड़ी डार्क निकली और यहाँ पे सेंटर पे लाइट हो गई। ये आगे टिप शेड करा, ये ऊपर की जो कवरिंग है ये शेड करनी है, ओके। ये मैं मैकेनिकल पेंसिल की मदद से शेड कर रहा हूँ, किसी ने अगर ड्रॉ कर दिया कि एकदम गाड़ के बना दी, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा जो स्केच का लुक रहता है, ठीक है, स्केच में डिफाइंड रहता है कि ये जो चीज़ है वो ड्रॉ होती है, ये स्ट्रोक्स लगते हैं और ये शेड होती है, तुम स्ट्रोक्स की जगह शेड कर दो, शेड की जगह स्ट्रोक्स कर दो, तुम्हारा स्केच खराब, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेनी है अपनी HB पेंसिल, और HB पेंसिल से अंदर का ये जो पूरा पार्ट है इसे फिल कर दो। अब मैं बताता हूँ कि आई की जो आयरिस है उसका जो अपन को ग्रेड देखना होता है वो कैसे देखते हैं। ये किया और ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से ब्लेंड करते हैं, क्योंकि ब्रश इस एरिया के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। क्या ये कलर मैच कर रहा है, नहीं, तो HB से अपना काम नहीं हुआ, लेकिन HB लेयर अपन देते हैं। अब 2B, या फिर एक काम करो, मुझे पता है इसमें नहीं होगा 2B से काम, तो 4B यूज़ करते हैं। 4B शेड कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ शेड कर रहा हूँ, ये मैं गूद नहीं रहा, कलर फिल नहीं कर रहा, थर्ड क्लास के बच्चे की तरह कि कलर फिल कर दो इतने पार्ट में, मैं इसे शेड कर रहा हूँ पीछे पकड़ के, ठीक है, ये हिस्सा शेड हो रहा है, तो इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ओके। ये 4B से करा मैंने इसे, और फिर इसे ब्लेंड कर दो, ब्लेंड करने का तरीका भी यही होता है, इसे सेमी सर्कल फॉर्म में चलाओ, तो ये अब देखो मैच कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है हल्का हल्का उसी ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से, ये जो तुमने शेड किया ये होएगा, ये नीचे वाला पार्ट, इस ये देख सकते हो ये किस्सा खाली है, ये अपन बाद में अपनी मोनो जीरो इरेजर या फिर नीडेड इरेजर से करेंगे, लेकिन अभी से थोड़ा छोड़ के चलो। तो इस तरीके से जो आंखों की कवरिंग रहती है थोड़ी, ये हो जाती है, तो अपना इतना होता है, इतना कर लो। अब 4B पेंसिल लो, ओके, शार्प रखना उसे। आईब्राउज पे आते हैं, तो आईब्राउज पे एक चीज़ देख सकते हो, बहुत ऐसे घने नहीं है 4B के स्ट्रोक्स, ऐसे ये एक आगे गया, ये एक बीच में गया, दो चार, देखो दो तीन के पेयर में रखना, ऐसे 1, 2, 3 ये चले गए, फिर 1, 2, 3 ये चले गए, ऐसे देखो। बालों में जो गलती हो गई थी किसी कुछ लोगों से, कि बालों में पूरे डार्क, एक डार्क चला गया, बाकी आसपास में सब लाइट है, वो नहीं होना चाहिए कि तुमने एक डार्क बना के छोड़ दिया, आसपास सुनसान पड़ा। इस तरीके से ऊपर ले गए, बहुत ऐसे घने भी नहीं कर देना, ठीक है, ये आ रहा, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या किया था, पीछे से आगे आ रहे थे, तो ये पीछे से आगे की तरफ आए, ठीक है, इस तरीके से, फिर ये आगे आए, फिर ये एक हाथ आगे आए, फिर ये एक हाथ ऊपर की तरफ गए, ठीक है। तो इस तरीके से देखो डार्क आ गए अपने, इतना करो। तो HB पेंसिल ले लिया अपन ने, यहाँ शेड करना।
तो बेसिक आई की प्रैक्टिस में बताया था ये वाला पार्ट है, सर्कुलर शेडिंग से करो। तो इसे कैसे, ओवल शेप में कर रहा हूँ मैं। अब एक बात ध्यान रखना, रश नहीं करना है, ठीक है? तुम गलती क्या करोगे, जल्दबाजी में यहाँ से यहाँ ले आओगे, बीच में गैप छूटेगा। एक बात समझ लो, जितनी गंदी शेडिंग करोगे उतनी गंदी ब्लेंडिंग मिलेगी तुम्हें, ठीक है? तो शेडिंग स्मूथ करो, ब्लेंडिंग तुम्हें बहुत स्मूथ मिलेगी। ये ऊपर कवरिंग हुई, अब यहाँ देख सकते हो चीक्स यहाँ पे हैं, तो अपन यहाँ पे एक लेयर बना सकते हैं नीचे। तो यहाँ से एक कवरिंग करते हुए लाओ आई की, ओके? यहाँ से एक कवरिंग करते हुए लाओ धीरे धीरे ऐसे। आई की जो टिप है यहाँ पे थोड़ा जो लग रहा है अपन को, वो अपन बाद में मोनो जीरो इरेजर या नीडेड इरेजर से कर देंगे। इस तरीके से आई कवर हो जाती है। अब फोरहेड देखो, ओके? फोरहेड देखना अब। तो फोरहेड पे ये वाला पार्ट डार्क है, ठीक है? ये थोड़ा लाइट है, तो अपन जो शेडिंग और ब्लेंडिंग करेंगे, जैसे ये है, इसे धीरे धीरे ऊपर लाते लाते ऐसे लाइट कर देना, बस इतना करके छोड़ दो। अब एक बहुत प्रिसीजन वाला काम है पेपर के आसपास शेडिंग और ब्लेंडिंग करना। इरेज हो जाएगा बाद में, ठीक है? उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इरेजर कितनी लिमिट तक यूज कर सकते हो वो तुम्हें पता है। इरेजर इरेज कर सकती है बहुत हल्का हल्का, ठीक है? तुम्हें एकदम घिसना पड़ेगा, और घिसने में तुम्हारा वो गड़बड़ हो सकता है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी बॉर्डर बन गई है, तुम्हें ये वाला पार्ट खाली छोड़ना है और यहाँ तक शेड लाना है। तो तुम्हें क्या करना है, अब इस तरीके से शेडिंग करना स्टार्ट करो लंबे ओवल्स में, ठीक है? हॉरिजॉन्टल ओवल्स बनाओ। देखो इनको स्मूथली ब्लेंड होना चाहिए यहाँ, तो अपन कॉटन से ब्लेंड करेंगे, ठीक है? तुम्हें मैंने लिमिट बता दी कि यहाँ तक आने चाहिए, जैसे प्यूपल है प्यूपल के ऊपर तक आने चाहिए, क्योंकि अपना ही पार्ट हाइलाइट्स में जा रहा है। तो इस तरीके से ओवल्स आएंगे। ठीक है, अब आगे 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 हल्का हल्का शेडिंग कर देना, हल्का, बहुत हल्का। मैं बोल रहा हूँ गलती करोगे, ये डार्क ये डार्क ये भी डार्क तो पूरा ही भर जाएगा। ये मैं बहुत लाइटली कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग में एकदम से फिर वो लाइन दिखेगी, ठीक है? ब्लेंडिंग में मुझे वो एकदम वाली लाइन नहीं चाहिए। मैंने इतना कर दिया शेड, अब मैं इसे कॉटन से ब्लेंड करूँगा बाद में। अभी ब्लेंड क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि पूरा जब चेहरा शेड हो जाता है उसके बाद ब्लेंड करते हैं, ठीक है? इतना कर लो, इधर तक करना, नोज पे नीचे नहीं आना है, ठीक है? तो नोज पे आओ, नोज पे यहाँ लाइट है, यहाँ थोड़ा डार्क है, यहाँ ज़्यादा डार्क है, यहाँ सबसे ज़्यादा डार्क है। अपन भी वैसे ही करेंगे, अपन डार्क टू लाइट आएंगे। कैसे, इस तरीके से यहाँ यहाँ थोड़ी जो कवरिंग है इस तरीके से कर लो। ये देख सकते हो ये कर्व में आ रहा है, जैसे कर्व करते करते अब क्या करना है, तो डार्क टू लाइट ले जाना है। तो अभी यहाँ ये जरूर डार्क टू लाइट का मतलब ये नहीं कि पेंसिल यहाँ गूदने लगो डार्क कर दो। यहाँ से आते आते बस तुम्हें यहाँ रुक जाना है ऐसे वर्टिकली, ठीक है? इस तरीके से तुम्हें रुक जाना है, क्योंकि ये लाइट पोर्शन है वो ब्रश से होगा। अब पेंसिल सेंटर में पकड़ो, सर्कुलर शेडिंग मेथड को याद करो, और जो नोज की आउटलाइंस है, जैसे बेस से स्टार्ट किया, ये बेस का कर्व जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इस तरीके से सर्कुलर शेडिंग मेथड याद रखना, बहुत काम आता है, सबसे बेस्ट रहता है ऐसे छोटे एरियाज को करने के लिए। इस तरीके से बेस पे आए, ये नॉस्ट्रिल पे आए, सबकी कवरिंग कर दो, ओके? ये कवर हो गया, ये नॉस्ट्रिल है, इसको कवर कर दिया, ठीक है? ग्रिड इरेज कर लेना, ये मेरा थोड़ा अभी भी दिख रहा है, तो मैं इसे अच्छे से कर लूँ इरेज। अब यहाँ यहाँ किया, ओके? अब यहाँ देखो कर्व आ रहा है, ठीक है? तो तुम्हें हल्का हल्का से थोड़े बड़े बड़े सर्कल्स बनाओ और यहाँ कर्व कर दो। ये जो सेंटर की लाइन बनाई ना तुमने, उसके राइट नहीं जाना चाहिए, बाकी वो जो है ब्लेंडिंग वाले पार्ट में आता है, शेडिंग में इतना नोज हो जाती है, ठीक है? अब ज़रा बता दो इतने में कोई डाउट, वही HB पेंसिल से अपना काम चल रहा है। अब देखना यहाँ थोड़े चीक्स जो प्रिंट आउट में दिखे ना दिखे, लेकिन यहाँ चीक्स जो है यहाँ देख सकते हो हल्के हल्के हाईलाइट में है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ से ऐसे कर्व लेते हुए आओ, सर्कुलर शेडिंग चाहिए मुझे, मैं पहले ही बता रहा हूँ मुझे सर्कुलर शेडिंग चाहिए। यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर्व में आओ, मुझे क्या चाहिए, शेप ये चाहिए, यू शेप जो है थोड़ा मुझे इस तरीके का चाहिए, यू शेप ये आया, और जैसे ही इसने इसको टच करा आउटलाइन को, ये यहाँ से कर्व आना स्टार्ट होगा, ओके? ये वाला पोर्शन।
ये बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना है, और जैसे इसमें किया था ना, यहाँ तक किया और हल्का सा वो कर दिया आउटलाइन, तो यहाँ पे भी बहुत हल्की हल्की इसके बाहर आउटलाइन सी होगी। ठीक है, आराम आराम से करना इसकी आउटलाइन, मुझे बहुत डार्क नहीं चाहिए। ठीक है, हल्की हल्की, कैमरे पे नहीं दिखेगी, कोई भी परेशानी नहीं है, आराम से करना। ये हल्की सी आउटलाइन देख सकते हो, अभी रुको, टाइम मिलेगा करने के लिए। ये वाले पोर्शन से आओ आप, यहाँ से ऐसे। ठीक है, मुझे एक प्रेशर के साथ चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ अलग प्रेशर है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, पैचेस नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, कि तुमने एक ब्लॉक में ज़्यादा कर दिया, इस ब्लॉक में कम कर दिया, वो नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा स्केच, वो रहते ना धब्बे आ गए स्केचेस पे, वो आते हैं। यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल ओवल्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हो ये वो हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल है, वर्टिकल ये आया, ऐसे थोड़े लंबे हो गए, यहाँ छोटे थे, यहाँ लंबे हो गए, इससे ऊपर वालों से कनेक्ट, ऊपर वालों से कनेक्ट होते समय एक बार ध्यान रखना, ये जो लाइन बन जाती ना एक गंदी सी, वो नहीं आने चाहिए, वो तब नहीं बनेगी जब तुम्हारी प्रेशर के साथ होगा, जो बन रही है तो थोड़ा प्रेशर बना बढ़ा लो, ताकि उस लाइन के जितना बने, बाकी अपन ब्लेंडिंग में संभाल लेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके शेडिंग में संभालने की कोशिश करो, क्योंकि शेडिंग में तुम्हारे पास पेंसिल इरेजर रहती है, ब्लेंडिंग में तुम्हारे पास सिर्फ ब्रश रहता है या कॉटन, तो तुम ब्लेंडिंग से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ब्लेंडिंग से तुम स्मूथ कर सकते हो, शेडिंग तुम स्मूथ दोगे, डेप्थ दोगे, सब पेंसिल से रहता है, तो शेडिंग करते समय ध्यान दो। चिन वाला पोर्शन आता है, धीरे धीरे यहाँ पे आए, बस यहाँ रुक जाओ। चिन पे क्या रहता है, चिन ऐसे ओवल शेप में रहती है, ठीक है, इस तरीके से ओवल शेप में, तो तुम्हें ये ऊपर वाला हिस्सा शेड कर दो, ये हिस्सा शेड कर दो, हल्का हल्का चिन के पास ऐसे ओवल ओवल की शेडिंग करो, पूरा ओवल नहीं आएगा क्योंकि इतना हिस्सा जो है बालों ने घेर रखा है। ठीक है, तुम चाहो तो बना लो इस तरीके से, थोड़ा सा हाईलाइट छोड़ देना, जैसे यहाँ चीक्स पे छोड़ा वैसे तुम्हें यहाँ छोड़ना है, ओके। और ये वाला पोर्शन तो पूरा ही भरा हुआ है, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को ऐसा नहीं रफली भर दो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी पोर्शन रफ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि तुम्हारा स्केच खराब होगा। तुमने ऊपर का फोरहेड स्मूथ बना दिया, चीक्स अच्छे कर दिए, और चिन वाला पार्ट तुमने रफ छोड़ दिया, तो वो गड़बड़ हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ तक पेपर है, यहाँ बाल है, ठीक है, धीरे धीरे करो, तो पूरा एक बार में भरने की ज़रूरत नहीं, थर्ड क्लास की ड्राइंग बुक नहीं है ये, तुम एक बार में कलर भरना, तुम एक स्मॉल एरिया लो, ऊपर से नीचे लेते हुए आओ, एक प्रेशर के साथ करो, और ये तुम्हारा हो जाता है। तो ये तुम्हारा जो है बेसिक शेड आ जाता है। अभी नेक और ये शोल्डर वाले रीजन पे आते हैं, ब्लेंडिंग इसके बाद होगी, इतना कर लो। यहाँ नीचे देखो, यहाँ तक करना है सिर्फ ये जो पोर्शन है, क्योंकि बाकी जो है कॉटन से अपन आगे आगे फैलाएंगे, तो इसको सर्कुलर शेडिंग मेथड से ऐसे ओवल बनाते हुए मैं स्मूथ कर रहा हूँ। तुम लोग को भी स्मूथ करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो बीच में पैचेस दिख रहे हैं, जो बीच में स्पेस छूट रही है, वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इतना जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, ठीक है, इतना पोर्शन इतना भर लो, ठीक है, और हल्का हल्का यहाँ यहाँ करो, ठीक है, थोड़ा बहुत ये जो नीचे जा रही ना ऐसे कर्व, हल्का हल्का यहाँ करो, क्योंकि हल्का हल्का इसलिए करना ज़रूरी है ताकि वो जो अपन जब ब्लेंड करें तो वो सही दिखे, ऐसा नहीं कि एकदम से छोड़ दिया अपन ने कहीं, ऐसे थोड़े ओवल्स बनाते हुए ये जो शोल्डर जा रहा, इसकी आउटलाइन आ जानी चाहिए अपने पास, चलो तो अपन ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ब्लेंडिंग देखो, ब्लेंडिंग एक बार देख लेना, ब्रश से करेंगे और कॉटन यूज़ करेंगे। कॉटन को कैसे यूज़ करना है अपन को, कॉटन को इस तरीके से एक बोर बना लो, बट टाइप, ठीक है, यहाँ पकड़ लो और एक फ्लैट बेस सा रखना, इससे कॉटन से ब्लेंड होगा। और ब्रश अपन नॉर्मली, ब्रश को एकदम घिसना नहीं है, ठीक है, कौन से एरियाज में ब्रश होगा, कौन से एरिया में कॉटन, वो मैं बताऊँगा। तो ब्लेंडिंग का जो पोर्शन रहता है वो ये वाला एक फ्लो का रहता है, तो ऐसा नहीं करना कि बीच में रुक गए, बीच में रुके तो फिर गड़बड़ है। तो ब्रश पीछे पकड़ो, आई का ऊपर का हिस्सा जो है ऐसे कर्व करो, आईब्राउज मत करना, ठीक है, आईब्राउज का थोड़ा बेस बेस कर लेना, वरना मत, ऐसे कर्व में करना। ये देख सकते हो ऊपर वाला हिस्सा हुआ ब्लेंड, फिर नीचे वाला इस तरीके से कर्व करते हुए,
हल्का हल्का नीचे लाओ, देखना ब्लेंडिंग के अपन ने इतना हिस्सा करा था शेड, लेकिन ब्लेंड करते करते और नीचे लाओ हल्का हल्का, ब्लेंड करते करते और नीचे लाओ हल्का हल्का सा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करना। देखो जरा अपन ब्रश से कर रहे हैं, तो ब्रश से ये पतला एरिया है, ठीक है, कॉटन से क्या होता है, कॉटन से बड़ा हो जाता है, तो वो आंखों का जो अपन ने शेड किया है ना, ये इसे भी फैला देगा, तो इसलिए अपन इसे छोटे पतले एरिया में ब्रश यूज करते हैं, ब्रश इसलिए पतला रहता है इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखो एक चीज होती है, बहुत ज्यादा मत कर देना, ठीक है, करना स्मूथ हो गया ये। अब यहाँ पे आओ नोज वाले पार्ट, नोज ब्लेंड करना जानते ही हो, इस तरीके से कर्व करते करते अंदर की तरफ जाओ, यहाँ तक, यहाँ से ऐसे कर्व करते करते अंदर की तरफ जाओ, क्योंकि अपनी रेफरेंस इमेज में भी सेम यही है, डार्क टू लाइट जा रहा है, तो अभी अपन की जो फर्स्ट लेयर है इसी तरीके से ब्लेंड होगी, ओके, ऐसे अंदर से लेफ्ट टू राइट ले जाना है अपन को, तो ये नोज ब्लेंड हो गई, ओके। इसके बाद अपन आते फोरहेड पे, यहाँ रुक जाओ बस, ठीक है, यहाँ रुक जाओ, मैं एक बार मैं बता रहा हूँ दोनों चीज़ें कैसे होती हैं, ये रहे, और यहाँ पे आप देखो गलती क्या करोगे, ऐसे घिस दोगे तुम लोग, घिसना नहीं है, ऊपर पकड़ो थोड़ा, जैसे ब्रश को सॉफ्टली अपन करते हैं, इसको भी ऐसे सर्कुलर करो, ठीक है, जहाँ जहाँ शेडिंग है तुमने, जहाँ जहाँ शेड करा है वहाँ पे ऐसे सर्कुलर चलाओ, ताकि ये जो है स्मूथ हो जाए, ठीक है। पेपर की टेंशन मत करो, ये वाले ये अपन बाद में इरेज कर देंगे, ठीक है। यहाँ 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 पे ऐसे ऊपर ऊपर, बस बालों में बहुत ज़्यादा मत कर देना, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ब्रश का काम क्या आता, ये हिस्सा एकदम खाली लग रहा है, तो क्या करना अपन को, इस तरीके से ब्रश लाओ, जैसे राइट टू लेफ्ट रहता ना, ठीक है, ऐसे ब्रश को ऐसे सर्कुलर चलाते चलाते धीरे 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 यहाँ लाओ, बहुत पूरा नहीं भर देना, ये गलती मत करना, इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ लाओ, ऐसे राइट टू लेफ्ट लाते जाओ, यहाँ पे बंद बॉर्डर आ रही थी ना एक लाइफ के, जहाँ पे अपन ने शेड करना छोड़ दिया था, उस एरिया पे थोड़ा ज़्यादा सर्कुलर चलाना है ऐसे ओवल शेप में, ताकि जो ये हिस्सा है ये फिल हो जाए, ठीक है, इतना करो पहले, ठीक है। तो अब नीचे वाला जो पोर्शन है वो पूरा एक फ्लो में रहेगा, तो ज़रा ध्यान से देखना, तो अब ब्रश से ही करना है, चीक्स वाला पोर्शन है जैसे यू शेप दिख रहा है, तो यहाँ ब्रश ऐसे थोड़ा फ्लैट सा चलेगा, एक बार ध्यान रखना बहुत डार्क मत कर देना, चीक्स गंदे हो जाएंगे फिर। तो ये वाला पोर्शन है नीचे से ऊपर की तरफ लाओ, पूरा ये हिस्सा जो अपन ने छोड़ा था उसे पूरा कवर मत कर देना, ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ लाते जाओ, ये कर्व करते करते ये ऊपर की तरफ लाते जाओ, ठीक है, ऐसे थोड़ा सर्कुलर चलाओ इनकी बॉर्डर पे, ताकि स्मूथ लगे, ऐसे सर्कुलर चलाओ ब्रश को, ऐसे सर्कुलर शेडिंग करते हैं, वैसे सर्कुलर ब्लेंडिंग करो, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे जो है ऐसे जो फ्लो चल रहा है ना जॉ लाइन का, ये इस पे करो, देखो जल्दबाजी में नहीं करना, यहाँ देख लो पहले, साथ साथ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, पहले ब्लेंडिंग करो इस तरीके से। तो देख सकते हो ये ब्लेंडेड पार्ट है और ये अभी रफ पार्ट है शेडेड। अब चिन वाला जो पोर्शन है, चिन पे ऐसे ओवल शेप चलाओ, बाल पे आने तो कोई परेशानी नहीं है, ऐसे चिन पे ओवल शेप चलाओ, बहुत ज़्यादा मत घिस देना, पता चला चिन डार्क लगने लगे, तो इस तरीके से ब्रश पकड़ के ऐसे ओवल शेप चलाओ, लिप्स की आउटलाइन पे भी कर लेना, लिप्स की ऐसा नहीं करो कि लिप्स की आउटलाइन पे फिर वाइट वाइट छूटे, और ये चिन पे आराम से कर लो, क्योंकि अपने यहाँ चिन पे भी दिख रहा है, ओके। अब ये वाला जो रीजन बचता है इसमें से वर्टिकली करो, ऐसे मतलब वर्टिकली ओवल्स बना के करो, देखो स्मूथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ डार्क लाइट पैचेस से बन गए हो, इस तरीके से धीरे धीरे करो, बहुत प्रेशर के साथ नहीं, देखो आगे पकड़ के नहीं कर रहा था, बीच में पकड़ा हूँ और बीच में धीरे धीरे कर रहा, ये ऐसे कर्व में लाओ, ऐसे जो ये लाइन आ रही ना अपनी जॉ लाइन, उसी के फ्लो में लेते हुए आओ, ठीक है, एक बार फ्लो बन जाए उसके बाद थोड़ा सर्कुलर चलाओ, जहाँ जहाँ ब्लेंड लग रहा है, जैसे ये हिस्सा ब्लेंड नहीं लग रहा तो यहाँ सर्कुलर चलाया, लेकिन प्रेशर एक जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ डार्क यहाँ लाइट, यहाँ डार्क यहाँ लाइट, ठीक है, इस तरीके से कराइए। देखो जो गलतियाँ हो जाती है ना, जैसे आइस डार्क होगी, फोरहेड लाइट हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए, ये जो हिस्सा है पूरा एक जैसा दिखना चाहिए, क्योंकि अपन ने एच बी डाला है अभी, 2B 4B 6B कुछ ही नहीं यूज़ नहीं करा, तो पूरा जो अपना शेड है वो एक जैसा लगना चाहिए, ओके। अब आ जाओ कॉटन पे, मैंने क्या बोला था, पूरा हिस्सा अपन जो नीचे का है, जैसे ये वाला हो गया,
पूरा हिस्सा नीचे का अपन नहीं करेंगे ब्लेंड, अपन ऊपर से नीचे लाते जाएंगे। तो कैसे करना है, अपन इस तरीके से सर्कुलर चलाओ, ऊपर से नीचे सर्कुलर लाओ, ठीक है। जितना अच्छा शेड करा था वो तो कर लो। अब जो उसकी बॉर्डर है, जैसे ये आई, यहाँ पे बॉर्डर दिख रही ना, इसके ऊपर रखो और इसके ऊपर सर्कुलर शेडिंग करना चालू कर दो, ताकि वो क्या लगे, नीचे की तरफ ब्लेंड होता हुआ लगे, ठीक है। अपन एकदम से लाइन छोड़ दोगे वो गंदा लगेगा, वो दिखना चाहिए कि अपन ने धीरे धीरे करा है, डार्क टू लाइट गया है। ओके, जैसे ये दिख रहा है ना अपना, एकदम से शेड फेड हो रहा है। इसके बाद क्या करो, ब्रश लो, ब्रश के साथ जैसे नीचे की तरफ पेंट फैलाते हैं तो उस तरीके से ग्रेफाइट फैलाने की कोशिश करो धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे आएगा। बॉर्डर पे ऐसे सर्कुलर भी चला सकते हो ब्रश, उससे क्या होगा, डार्क टू लाइट वाला अपन को एक अच्छा सा ग्रेडियंट शेड मिलेगा। धीरे 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 करते जाओ ऐसे, देखो जितना हो रहा है उतना करो। अपन को नीचे का ऐसा बहुत डार्क करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ना अपन ने कोई सेकेंड लेयर डाली है, ना अपन ने अभी कोई ऐसे बालों वाला पोर्शन किया है। बाल सबसे लास्ट में इसलिए कर रहा है क्योंकि पहले कर देते तो फिर वो फैलने लगते। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे सर्कुलर चलाओ, ओके। और ये अपना पूरा जो चेहरा है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। एक बार ध्यान रखना, भले ही टाइम लगे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन स्मूथ होना चाहिए, ओके। इतना कर लो, चलो तो अब 2B पेंसिल ले लो, ओके। 2B पेंसिल के बाद अपन को कहाँ कहाँ करना है ज़रा मैं डिस्क्राइब कर दूँ। पहले ये आईज़ के पास वाला जो पोर्शन है यहाँ करना है, लेकिन 2B को अपन को उसके लाइटेस्ट पे यूज़ करना है, एकदम डार्क यूज़ नहीं करना है। ये जो नोज़ का जितना डेप्थ दिख रही, यहाँ ये नोज़ और लिप्स के बीच में जो दिख रहा है, यहाँ जो हल्का हल्का लिप्स के बीच में दिख रहा है, ये थोड़ा यहाँ कॉलर बोन वाले एरिया में जो दिख रहा है, और थोड़ा थोड़ा नेक के नीचे जो दिख रहा है, ये एरिया अपन के 2B से होंगे। तो पहले मुझे देखो, मैं पेंसिल को पीछे पकड़ाऊँ, पेंसिल को उसके लाइटेस्ट पे यूज़ कर रहा हूँ। तुम लोग को भी यही करना है, ओके। तो आईज़ के नीचे जो है ये अपना, इसे हल्का हल्का ऐसे 2B से कर्व करते करते शेड करो। हल्का हल्का बोला मैंने, डार्क नहीं बोला, और पहले देख लो फिर करना। थोड़ा ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, ओके। फिर ये जो आईज़ के बगल वाला पोर्शन होता है, जैसे ये आईज़ और नोज़ के बीच वाला पोर्शन रहता ना, यहाँ पे शेड होगा, ठीक है। ये अपन बाद में इरेज कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, पेपर हो जाने दो। देखो इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, HB अपन ने यहाँ तक कर ली थी, 2B अपनी इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए आगे। तुम लोग को पता है क्यों, नोज़ की जो अपन ने शेडिंग करी थी तो अपन लिमिट बनाते थे कि कहाँ तक जाएगी 2B, कहाँ तक जाएगी HB, तो वही चीज़ सेम यहाँ होनी है। तो अभी मैं नोज़ कर रहा हूँ इतना पोर्शन, तो नोज़ देख लो पहले, टाइम दूंगा करने को। नोज़ जैसी धीरे धीरे चीक्स वाले पोर्शन के पास आएगी, इट्स लाइट होती जाएगी, ठीक है। नोज़ की एक कवरिंग आएगी 2B से, ताकि ये नीचे वाले हिस्से पे ज्वाइन हो सके यहाँ ही, और ऐसे थोड़ा वर्टिकल हो गई यहाँ पे, ये पोर्शन ऐसे वर्टिकल हो गया, ये वाला हिस्सा ऐसे धीरे धीरे होते होते ऊपर तक ऐसे 2B गया। बहुत ज़्यादा 2B नहीं भरना है अपन को, डार्क हो सकता है। अब ये जो शेड दिख रहा है ये वाला नोज़ की टिप पे, ये हिस्सा 2B से है, तो इसे ओवल शेविंग जो अपन ने करी थी ना, सर्कुलर शेविंग शेडिंग इसकी आउटलाइन के लिए, तो वो धीरे धीरे वो ही होगी। तो यहाँ से ऐसे आएगी ये, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे होगी, ओके। इसके बाद क्या करना, इसके बाद 6B पेंसिल लेना। ये जो आउट थोड़े से दिख रहे हैं ना नोस्टल, छोटे से बनाने हैं, डार्क बहुत बड़े मुझे से गोल से नहीं चाहिए। इसमें देख सकते हो हल्का सा है नोस्टल ऐसे, इसमें भी ऐसे हल्का सा ओवल है बस, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, कर दोगे गलती हो जाएगी तुम्हारी, ओके। इस तरीके से हल्की सी इसकी आउटलाइन दे दी, ठीक है। तो ये 6B बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क मत देना, 2B को यूनिफॉर्म रखना। यूनिफॉर्म का मतलब ये भैया है कि स्मूथ रखो, जो गलती पिछले लेयर में हो गई थी वो इसमें मत करना, वरना और गंदी लगेगी क्योंकि और डार्कर लेयर है, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ तक करना, और यहाँ से ऐसे डार्क टू लाइट, ये जिसका है देख रहा, ये आई की टिप के ऊपर वाला, ध्यान दो इधर, ये डार्क टू लाइट ले जाना है। डार्क यहाँ पे हल्का सा कर रहे हैं, और धीरे धीरे ले जाते HB जितना लाइट कर दे रहे हैं यहाँ पे, बस है ना, डार्क टू लाइट करो, बस इतना ही पोर्शन करना है। यहाँ पे हल्का हल्का ये पीछे की तरफ करो, हल्का हल्का ये जो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है ना, बस हल्का हल्का, तो इतना पोर्शन अपन को 2B से शेड करना है।
ओके तो अपन को अब कौन सा करना है, चिन वाला एरिया जो लिप्स के नीचे दिख रहा, नहीं हल्का हल्का, तो बहुत हल्का हल्का 2B से ही शेड करना है ऐसे, थोड़ा यहाँ करा और ये थोड़ा थोड़ा यहाँ करा। देखो मैं यहाँ पे भी करवाता लेकिन ऑलरेडी डार्क हो चुका है और यहाँ पे बाल आ रहे हैं तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ नेक पे, तो नेक पे जो चिन के नीचे वाला पोर्शन है वही करना है, डार्क टू लाइट ले जाना अपन को, तो ऐसे वर्टिकल शेड देखो स्मूथ करना, मुझे वो नहीं दिखने चाहिए कि तुमने बीच में स्पेस छोड़ दी है, तो इस तरीके से वर्टिकल करो। ओके वर्टिकल करो, अब यहाँ पे देख सकते हो मुझे एक लाइन दिख रही है, तो वो लाइन नहीं दिखनी चाहिए, तो यहाँ पे हल्का हल्का मैं करूंगा एच बी और 2B के बीच में एक लेयर टाइप हो जाए ताकि वो स्मूथ ब्लेंडिंग दिखे। अब देखो यहाँ पे भी है, ये दिख रहा ना अपन को, ये कॉलर बोन दिख रही है, कॉलर बोन के नीचे नीचे भी है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, ये है इस वाले एरिया पे दिख रही है। ओके तो इतना एरिया बचता है बस अपन को शेड करने के लिए, तो वो भी अपन ने कर लिया था, इसके बाद अपन ब्लेंड करते हैं, तो पहले इतना एरिया शेड कर लो। तो अब अपन ब्लेंड करेंगे, तो सबसे पहले इसे घुमा लो, ऐसा क्यों किया, अपन को हाथ ऐसे चलना चाहिए, अब ना भी अपना हाथ ऐसे चल रहा होता गड़बड़ होता, तो सबसे पहले क्या करो इस तरीके से धीरे धीरे बीच में ब्लेंड करो, करते करते अंदर की तरफ ले जाओ, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ ले गए तो बस रुक गए, अब इसे धीरे 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 बाहर की तरफ ले आओ, ले आए, अब इसे सर्कुलर चलाओ, अपन ने जो शेड था उसे फैला दिया, अब सर्कुलर चलाने से वो शेड और जगह फैल जाएगा। ठीक है इस तरीके, अब ये वाला जो कर्व था नोज की टिप वाला उसे भी ऐसे कर्व चलाओ, उसके साथ ये बगल वाला भी शेड ब्लेंड होता जाएगा, तो उसमें थोड़ा अच्छे तरीके से चलाना, ब्रश की टिप चलाना, ठीक है, ताकि वो एकदम बहुत ज़्यादा ना फैले, उतने में ही रहे। तो ये देखो अब अपना थोड़ा बेटर लग रहा है। ओके तो इस तरीके से अपन थोड़ा और स्मूथ कर लेंगे उसे, देखो जितना ज़्यादा ब्रश चला गए वो उतना ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा, लेकिन गलत चला दिया ब्रश, जैसे आई के ऊपर चला दो, गलत चला दिया ब्रश तो फिर वो बिगड़ भी सकता है, कि गलत जगह ब्रश चला दिया, कोई एरिया ज़्यादा ब्लेंड हो गया, समथिंग लाइक दैट। ओके यहाँ नोज और लिप्स के बीच में आओ सर्कुलर, और ऐसे थोड़ा वर्टिकल चला देना, ऐसे ऊपर नीचे कर लो, लिप्स के नीचे आए, लिप्स के नीचे ऐसे थोड़ा हॉरिजॉन्टल चला और यहाँ पे थोड़ा सर्कुलर करा एंड एंड में, ठीक है। अब यहाँ पे नेक के नीचे तुम्हें पता ही है कैसे करना है, सर्कुलर चलाते जाओ ऊपर से नीचे से सर्कुलर चलाते चलाते आ जाओ, कर्व करते करते नीचे आ जाओ। ओके तो ये डार्क टू लाइट जो अपन को टोन चाहिए था वो अपन को मिल गया है, इसके बाद बस एक चीज़ बचती है, वो है हल्के तरीके से, जैसे आउटलाइन देखो पूरी फेड हो गई है अपनी, तो हल्के तरीके से पेंसिल लो, बहुत हल्के तरीके से एच बी पेंसिल लेना, मुझे से डार्क आउटलाइंस नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा कि एकदम गाढ़ के बना दी, ठीक है, जो ब्लेंड हो गई है ना आउटलाइंस उन्हें आराम आराम से धीरे धीरे ऐसे कर्व कर लो और ये अपनी आउटलाइन दोबारा बन जाती है, तो इस तरीके से अपनी सेकेंड लेयर और फाइनल लेयर हो जाती है, इसके बाद अपन लिप्स करेंगे। तो लिप्स की बेस लेयर के लिए दो चीज़ें करनी है, पहले एच बी पेंसिल लो, और एच बी पेंसिल को ऐसे वर्टिकली या कर्व्स में रहता ना जो शेप रहता था अपना लिप्स में, जो अपन ने जिस तरीके स्ट्रोक्स लगाने सीखे थे, ऐसे अपर लिप में ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ से ही ऊपर की तरफ, फिर टेक्सचर में काम आता है, शेड तो हो ही जाएगा, और लोअर लिप में नीचे की तरफ ले जाओ ऐसे ऐसे। अभी मैं एच बी से कर रहा हूँ, मैं दोबारा बोल रहा एच बी से कर रहा हूँ, इसके बाद सेकेंड लेयर जो है वो मैं 2B से करूँगा, तो ये किया, अब मैं इसे ब्लेंड भी वैसे ही करूँगा जैसे मैंने शेड करा है, ठीक है, ऐसे ब्रश रखा और वर्टिकली करो, ठीक है, वर्टिकली नहीं हो पा रहा है तो हॉरिजॉन्टली कर लो ऐसे। ओके ब्रश छोटा लग रहा है या फिर बाहर फैल रहा है कोई परेशानी नहीं,
तो ये होती पहली लेयर। और अब सेकेंड लेयर अपन ने 2B पेंसिल ली अपनी, और वही सेम प्रोसेस अपन ने 2B से रिपीट करी। डायरेक्ट 2B से क्यों नहीं करा, क्योंकि लेयर बाय लेयर बढ़ते अपन, हो सकता अपना HB से ही काम हो जाता, हो सकता अपना 2B से भी ना हो, 4B या 6B यूज़ करनी पड़े। तो अपन लेयर बाय लेयर बढ़ो ताकि अपन को एक्सपीरियंस हो कि कैसा शेड कौन सी पेंसिल कब यूज़ होनी है। इसको है, इसको भी ऐसे हल्का हल्का सर्कुलर चला लो, ठीक है, थोड़ा रफ सा रह रहा है, कोई परेशानी थोड़ा। अब तुम लोग क्या समझ, ये मत समझो कि पूरा छोड़ दो, वो नहीं चेक करना, ठीक है, क्योंकि अभी अपन को थोड़ा और शेड करना पड़ेगा इसे। तो सेकेंड लेयर भी हो जाती है, अपना चेहरा बस हो गया है, बस एक पार्ट बचता है ये वाला। तो नेक्स्ट क्लास में अपन लिप्स कर लेंगे, बेस लेयर इसमें डालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।